अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द किड्स। पहले सबसे पहले सब लोग अपना माइक माइक म्यूट कीजिए प्लीज। एवरीबॉडी म्यूट योर माइक्स। वेरी गुड। ओके सो बिफोर हम सेशन स्टार्ट करते उससे पहले हम दुआ पढ़ लेंगे फिर बिस्मिल्लाह करके सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई विल सी एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके सब पहले माइक म्यूट कीजिए प्लीज। एवरीबॉडी म्यूट योर माइक्स प्लीज। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एवरीबॉडी माइक म्यूट करेंगे प्लीज। कोई भी माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा। साहिबा जफर अली प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि वाला साथ वलियां वहाफिजां कायदां वनासिरां वदलीलां वआयना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तवा वतमत्तियहू फीहा तवीला। लाहुमा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वर्जुल फरज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम सलाम अलैकुम टू ऑल द किड्स। ओके सेशन स्टार्ट करने से पहले एनीथिंग आई डू नॉट वांट एनीबॉडी टू अनम्यूट द माइक। सेशन के लास्ट के 15 मिनट्स हम सब डिस्कशन करेंगे। सेशन के बीच में कोई मुझे कुछ भी नहीं पूछेगा। लास्ट के 15 मिनट्स आप सब लोग के लिए रखिए। आप आराम से मुझे सब सवाल पूछना। ओके इट विल बी दिस और दिस। ठीक है। ओके वेरी गुड। तो जैसे कल हमने जो सब पढ़ा था आपकी सबकी प्लीज माइक म्यूट कीजिए। प्लीज माइक म्यूट कीजिए। वेरी गुड। तो जैसे जो कल का सेशन था आप लोग सबको स्टोरी जो मैंने बताई थी कल जो कौन से स्टॉप्स थे इमाम कहाँ पे रुके थे ऑल दी स्टॉप्स सब आपको थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना। ओके अभी आज थोड़ा सा एक और स्टेप अहेड मूव हो गए और आगे और नई चीजें जानने मिलेगी आपको। नई चीजें सुनने मिलेगी आपको। काफी सारी चीजें पता चलेगी। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और वी आर गोइंग टू टॉक हम उस जनाबे बीबी जैनब के बारे में टॉक करने वाले हैं। उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। राइट हु वाज बीबी जैनब। बीबी जैनब वाज सिस्टर ऑफ इमाम हुसैन। ओके I do not want anybody to talk. I know all of you all know mashallah everything. But this is just a revision. You know, कि कोई एकदम छोटा बच्चा रहेगा वो कभी भूल गया कुछ। So this is just a revision. So in between, if I ask you, कि you all know the name of Bibi Fatima Zahra's brother's name, so you all just do like this. So इसका मतलब कि आप लोग को पता है. Okay? See, okay, so now we take it a bit ahead from here. आपको पता है बीबी जनाबे फातिमा सॉरी जनाबे जैनब का बर्थ डेट क्या है? इट इज ऑन द फर्स्ट ऑफ शाबान। ओके एंड द सेकंड थिंग इज हमजा 21-20। मेरा फातिमा प्लीज म्यूट योर माइक। इट विल क्रिएट मोर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। प्लीज बीच में माइक को अपने म्यूट कीजिए प्लीज प्लीज। ओके सो जनाबे जैनब के जो ब्रदर्स थे उनके ब्रदर्स का नाम पता है आपको क्या है? इमाम हसन एंड इमाम हुसैन। ओके इमाम हसन एल्डर ब्रदर थे, इमाम हुसैन उनसे छोटे थे। ओके सो इमाम हसन एंड इमाम हुसैन। राइट और उनकी एक छोटी सिस्टर भी थी आपको पता है उनका नाम उम्मे कुलसूम था। सो दैट इज इमाम हसन इमाम हुसैन जनाबे जैनब एंड उम्मे कुलसूम। एंड यू नो जनाबे जैनब व्हेन शी वाज 5 to 6 इयर्स ओल्ड उनके जनाबे जैनब के दादा का नाम पता है? नाना का। यस सो व्हाट वाज इट व्हेन जनाबे जैनब वाज 5 or 6 इयर्स ओल्ड जब भी प्रॉफिट दैट इज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी। राइट शी वाज सो स्मॉल सिर्फ 5 या 6 ईयर ओल्ड के थे वो। और फिर उसी आफ्टर 6 मंथ्स उसके 6 मंथ्स के बाद उनकी मम्मी दैट इज जनाबे फातिमा तो जहरा
उनकी भी डेथ हो गई थी, राइट? यू ऑल नो द स्टोरी, राइट? हम अय्याम फातिमी बनाते हैं तो उसमें आप सब स्टोरी सुनते हो ना, मजलिसे सुनते हैं, राइट? एंड जब व्हेन इट वाज द लास्ट टाइम ऑफ जनाब फातिमा जहरा, सो एट दैट टाइम बीबी जैनब वाज हाउ ओल्ड? शी वाज 5 to 6 years old. एंड दैट टाइम उनकी मम्मी ने उनको कहा था कि यू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर्स, आपको अपने भाइयों का ध्यान रखना है, उनको संभालना है. सो मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हें देती हूँ. द मदर जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा टोल जनाबे ज़ैनब, राइट? सो यानी कितनी शी वाज सो स्ट्रॉन्ग कि उसकी मम्मी को उनपे पूरा ट्रस्ट था दैट जनाबे ज़ैनब विल डू एवरीथिंग, शी विल हैंडल एनी एवरीथिंग, वो सब कुछ मैनेज करेगी. यू अंडरस्टैंड, शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड शी वाज वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो. She was very knowledgeable. जैसे उनकी एज बढ़ते गई वैसे उनकी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी शार्प होती गई. She was very famous for her knowledge, उनकी स्पीच. और पता है आपको, वो रिलीजन के बारे में ऐसा नहीं है कि वो भी छोटी छोटी मीटिंग्स और गैदरिंग्स हेल्ड करते थे. When she was at young age, वुमेन की गैदरिंग करते थे, बुलाते थे उनको और इस्लाम की टीचिंग्स बताते थे कि हमारा इस्लाम क्या क्या कहता है, क्या सही है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें किसे फॉलो करना चाहिए. कुरान के बारे में नॉलेज देते थे बिकॉज शी हैड ऑल द नॉलेज, सब ऑल द नॉलेज उनके पास थी एंड शी वाज वेरी नॉलेजेबल. कोई भी वुमेन आती थी उनको कुछ क्वेश्चन पूछती थी या यू नो काफी सारा कंफ्यूजन होता था तो जनाबे ज़ैनब यूज्ड टू बी ऑलवेज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन दैट ये सोल्यूशन है, दिस इज द थिंग, नो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, सब कुछ वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते थे. उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज थी. एंड यू नो शी वाज आल्सो नोन एज द हीरो ऑफ पेशेंस. उनमें काफी 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 सबर थी. स्पेशली यू कब देखा गया है, एट द टाइम एट द इवेंट ऑफ करबला, राइट? वी हैव ऑल हर्ड इमाम हुसैन एंड जनाबे ज़ैनब, दीज आर द टू पिलर्स ऑफ करबला, राइट? दे आर दरब फातिमा, प्लीज म्यूट योर माइक्स. Please mute your mics. जनाबे ज़ैनब had devoted, उन्होंने पूरा उनका जो जो लाइफ थी, उनकी जो उनका जो मकसद था, उसने पूरा जो है करबला के उसमें हमारे इस्लाम के उसमें शी गेव अवे विद इमाम हुसैन दैट व्हाट कम एवर आई विल गिव स्टैंड फॉर द रिलीजन, व्हाट कम एवर आई हैव टू स्टैंड, व्हाई? बिकॉज माय रिलीजन इज राइट, इसीलिए मुझे खड़े रहना है. उन्होंने इतनी सारी स्पीचेस भी दी है ऑन द वे, आई विल ऑल टेल यू ऑल ओमनी स्पीचेस उन्होंने दी है और इमाम हुसैन के साथ आओ. मैम आई कांट हियर यू, देयर इज नॉइस. ओके, बिफोर आई मूव अहेड, प्लीज आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक्स, इट इज डिस्टर्बिंग द अदर किड्स कांट. यस सैयद मरियम, प्लीज म्यूट योर माइक्स बेटा, प्लीज. When you sit online in school, जब आप स्कूल में ऑनलाइन बैठते हो तो आप माइक म्यूट करते हो कि नहीं? प्लीज. माई फर्स्ट मैसेज वॉज दैट आई वॉन्ट डिसिप्लिन वेन आई डू, प्लीज. सैयद मरियम, प्लीज म्यूट योर माइक्स बच्चा. नाउ आई विल स्टार्ट. अगर किसी का माइक अनम्यूट रहेगा, आई विल रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप. Okay, I don't want anybody to unmute the mic. Okay, chalo. Bismillahirrahmanirrahim. We'll again start now. And you know, Janabe Zainab, we are talking about Janabe Zainab. Okay, she is a personality. हम उनके बारे में बता ही नहीं सकते हैं. वो जनाबे ज़ैनब की जो personality है, it is above our thinking. Because उन्होंने इतना सब कुछ किया है and with so much of patience. She was the pillar of Karbala. She was standing and supporting everybody. Starting from Imam Hussain, Maula Abbas, fourth Imam, everybody she was supporting. She was the patience. Come what come ever. Imam Hussain भी advice लेते थे जनाबे ज़ैनब से. He used to come and sit, consult करते थे, बैठते थे, discuss करते थे उनकी sister के साथ. Why? Because she was very knowledgeable. उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो वेरी 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 डिफरेंट है. ओके, एंड इफ यू गो टू सी जनाबे ज़ैनब इन द बैटल, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनका जो मेन रोल वहां से स्टार्ट होता है, जो इस्लाम को आगे पहुंचाने का, वहां से जो हम तक आज तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर
हम नौहा पढ़ते हैं, हम मजलिस सुनते हैं, हम मजलिस में जाके बैठते हैं, हमें पता है कि मजलिस क्या होती है, मजलिस में क्या आना है, क्या बोलना है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जनाबे जैनब, राइट? आफ्टर इमाम हुसैन, इट इज जनाबे जैनब हु टुक इट फॉरवर्ड एंड हैव गॉट इस्लाम टिल हियर. जो हमारे तरफ जो वी नो एवरीथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जनाबे जैनब. यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग बिकॉज शी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. ओके, नाउ इफ यू सी दैट जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिए गए, आफ्टर दैट इट वॉज, और जब शहीद हो गए तो क्या हुआ, यजीद की जो आर्मी थी, they were all कि चलो इमाम हुसैन शहीद हो गए, now we have to go towards the tents, जहां पे जो टेंट थे, जो छोटे छोटे हट्स लगाए थे, वो हट्स और टेंट्स की तरफ यजीद की आर्मी पहुंच गई. और जब यजीद की आर्मी वहां पे पहुंच गई, सो वॉट डिड दे डू, उन्होंने सब जो टेंट्स थे उनको जला दिया, जितने भी लोग अंदर थे उनको सबको मार के बाहर निकाला. सो वॉट डिड, एंड देन शिमर यजीद की आर्मी का, यू नो यू ऑल माइट हैव सीन मुख्तारनामा, तो उसमें शिमर दिखाया है, इज जस्ट अ रेप्लिका, राइट? वो उसे पता चला कि फोर्थ इमाम वाज नॉट वेल, राइट? जब शिमर को पता चला दैट फोर्थ इमाम अलाइव है, खेमे के अंदर है, जो टेंट के अंदर है, उन्होंने, शिमर ने क्या किया कि मैं इसे भी कत्ल कर दूंगा, फोर्थ इमाम को भी कत्ल कर दूंगा. वो टाइम पे, एट दैट टाइम, जनाबे जैनब स्टूड अप एंड सेड नो, एंड शी कम्प्लीटली टुक चार्ज, उन्होंने पूरा चार्ज ले लिया, और जरा सी भी हमारे फोर्थ इमाम को जरा सी भी कुछ तकलीफ होने नहीं दी. दैट टाइम शी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी क्लियर है? यस मिस. अब भाई नहीं. हेलो. So what happened? इशारे आवाज. आई थिंक सबको आवाज आ रही है. आई थिंक आपके तरफ से नेटवर्क का इश्यू होगा. प्लीज माइक म्यूट कीजिए प्लीज. यस मिस. नहीं आ रही है अली. प्लीज नहीं आ रही है. प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज. Okay, so when, as I was telling you all about जनाबे जैनब, फिर जब वो पूरे टेंट्स को वो लोग ने जला दिया, और जनाबे जैनब ने अपने फोर्थ इमाम को भी सेव कर दिया शिमर से, right? I want you to mute. Hello, ma'am. Please mute everybody. What happened then after that? So, जब शिमर वहां पे था, सो वॉट हैपेंड आफ्टर दैट इज जनाबे जैनब और जितनी भी फीमेल वुमेन्स जो अपने प्रॉफिट के मेंबर्स, सब घर, सब जो टेंट से बाहर निकल गए थे. वाई? बिकॉज वो टेंट को जला दिए थे यजीद की आर्मी ने. तो क्या हुआ फिर, सब एक साइड, एक साइड जनाबे जैनब ने सबको बोला आप एक साइड पे सब आके खड़े हो जाओ. फिर जैसी रात होने लगी, तो आफ्टर दैट जनाबे जैनब सो तो जनाबे सकीना इज नॉट देयर, शी वाज मिसिंग फ्रॉम द टेंट. तो वो इतने टेंस्ड हो गए कि वेयर इज जनाबे सकीना. शी वाज टू आस्क एवरीबॉडी, आपने देखा है जनाबे सकीना को? आपने देखा है? सो शी वाज सीइंग बट कहीं नहीं दिख रहे थे. तो उनको इतनी टेंशन हो गई थी कि वेयर इज जनाबे सकीना, वो बैटलफील्ड की तरफ चले. जब वो बैटलफील्ड की तरफ चले, वो ढूंढने गए जनाबे सकीना को. सो व्हेन शी सॉ बैटलफील्ड पे, जनाबे सकीना वाज सिटिंग नेक्स्ट टू इमाम हुसैन, जो ऑलरेडी शहीद हो चुके थे. So she was sitting next to the father. फिर जनाबे जैनब वहां पे पहुंची, जनाबे सकीना को कंसोल किया, प्यार से समझाया, और फिर उन्हें वापस ही गॉट टू द टेंट, वापस टेंट पे लेके आई जहां पे थे सब वुमेन, एंड शी मेड हर सिट ओवर देयर. देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग द यजीद आर्मी, उन्होंने जनाबे जैनब और जितने भी मेंबर्स प्रॉफिट की फैमिली के बचे थे और जो भी थे, उन सबको वो कूफा लेके जाने वाले थे, राइट? बिकॉज अभी ये सबको उन्होंने प्रिजनर्स बना दिया था, इसीलिए उन्होंने सबको प्रिजनर्स बना दिया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे वॉन्टेड टू टेक एवरीबडी टू कूफा. और जब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग कूफा के लिए जा रहे थे, आपको पता है कौन कौन लोग थे? आई विल टेल यू ऑल हु वाज देयर. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो साथ जो थे, हु वर देयर, हु वर गोइंग टू कूफा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द प्रॉफिट फैमिली, दैट वॉज जनाबे जैनब, ओके, उम्मे कुलसुम, द सिस्टर ऑफ जनाबे जैनब, शी वॉज देयर, ओके, इमाम
Zainul Abidin was there, a fifth imam was there. So all these people, they were all there. और पता है जब आपने normally camel देखा होगा, right? Camel के ऊपर जब हम sit करते हैं, so there is something, you know, एक कपड़ा रहता है या एक something or the other वो कुछ रखते हैं. Then we can sit on the camel. Why? Because the camel has got a hump, right? Camel के ऊपर hump रहता है, तो you cannot sit like this. So what these Yazidi army, this Shimmer and everybody, they did, you know, they didn't put any cloth. Camel ke upar koi bhi cloth nahi rakha. Aur aise hi bola Bibi ko and jitne bhi prophet members, aur jo bhi chote chote bachche the, you'll have to sit like this only. You'll have to sit like this only. So you can imagine the pain, the trouble they were going through. Kitni takleef. But then though, Janabe Zainab stood strong. She was firm enough, whatever I am doing this for, to save my Islam and in the path of Allah. So I have all my faith in Allah. Allah will support me and He's always there with me. So she was that strong. Okay? And, you know, when they were going on the way, और इन्होंने क्या किया था, यजीद की जितनी भी लोग, जो आर्मी थी, यजीदी आर्मी, उन्होंने क्या किया था? जनाबे ज़ैनब का, बीबी सकीना का, everybody, सबका हिजाब भी ले लिया था, चादर भी ले ली थी, तो they didn't have anything to protect. We, what happens is that normally, जब चादर ले लेते, you know, you feel very uncomfortable. हम scarf पहन के normally बाहर जाते हैं, right? फिर एक कभी scarf नहीं पहन के जाते, तो we feel so uncomfortable. तो you imagine, she was Bibi Zainab, she was at a different level. तो वो तो पूरा अपने आप को cover करते थे, right from the head to the tip of the toe. और what did Shimmer and the army did? उन्होंने चादर ले ली उनके पास से. So it was so difficult. And then रस्ते में जब वो जा रहे थे from Karbala to Kufa, एक woman आई. So woman ने, when she saw them, she felt very sad. She's like, I'll give, मैं उनको चादर offer करती हूँ. तो जब उसने चादर offer करना चाहे बीबी ज़ैनब को, बीबी सकीना को, तो what did Shimmer army said? उन्होंने उसके पास से भी चादर ले ली और उसे भी कहा कि नहीं, ये नहीं दे सकते. और उसे भी उन्होंने shout किया. So you can see they were so bad with her, with the family of the Prophet. Why? Because unko pata tha jo wo kar rahe hai, wo galat hai. Because why they were doing it? Because Yazid was telling that you have to do all this. Right? So, and we know that he was on the wrong path, and what our Imam and our Prophets were doing, the family members of the Prophets were doing, they were on the right path. This shows that how bad and how good. Right, it is very important. Now when you look over here, that after that, when they reached Kufa, there Janabe Zainab, when she reached, she gave a lot of sermons. Utne bahut sari, Janabe Zainab ne bahut sari speeches di aur bahut Islam ko hamare jo Karbala mein event bhi hua tha, she gave a lot of speeches. Unhone kafi sari sabko bataya ki hamare saath kya kya hua tha. But the army didn't allow her to give speeches and everything. They used to, every time kuch bhi hota tha, they used to either hit them, they used to either trouble them, but then though she never lost her patience. Now from there, starting from Kufa to Damascus mein kaun tha? Wahan pe Yazid wait kar raha tha, right? So when from Kufa to Damascus, unko 28 days lage on the camel without the saddle. Or you know, unhone jaan boojh ke long route liya tha, शॉर्ट रूट नहीं लिया था, लॉन्ग रूट. दे यूज टू, फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्टकट से जा सकते तो नहीं, वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग कट. क्यों? क्योंकि दे वॉन्टेड टू ट्रबल देम, दे वॉन्टेड टू ट्रबल बीबी, दे वॉन्टेड टू ट्रबल अ फोर्थ इमाम. एंड यू नो दे ऑल हैव हैंड में उनके हैंड ग्लव्स थे. इतना सारा ट्रबल कहीं पे, व्हेन दे यूज टू आस्क, फॉर एग्जाम्पल, अगर बीबी सकीना को प्यास लगती थी पानी की, so what they used to do, they used to ask for water. So they used to say, no, we are not giving you water. Abhi pani nahi dege, baad mein dege. Har cheez mein prolong karte the, har cheez mein wo unko pareshan karte the. But then though Janabe Zainab was very fierce. Aur jab wo log Damascus pahunche, Yazid ke paas, Damascus just pahunche Yazid ke paas, to what happened, you know, when the news went to Yazid ke ये जनाबे ज़ैनब हैज कम विद द काफिला ओवर हियर, द फोर्थ इमाम हैज कम विद द काफिला, सो व्हाट डिड यजीद सेड? ही सेड लेट देम वेट, दैट डर्टी थिंग ही हैड, ही मेड देम वेट. आपको पता है, ही मेड देम वेट फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. एंड देन ही सेड दैट नाउ यू गेट एवरीबडी. नाउ व्हेन बीबी ज़ैनब एंटर्ड
the house of Yazid, you can see the palace of Yazid. The sermon she gave, she told Yazid that we do not get scared of you. We will always speak the truth. Hum hamesha sach bolenge. There are lots of sermons, बहुत सारे speeches हैं, बहुत सारे dialogues हैं, बहुत सारे sermons हैं, जो हम कहते हैं ना, जो dialogues जो उन्होंने यजीद के दरबार में कहा था. So Yazid was literally के कौन है ये? Who is she? They said she is जनाबे ज़ैनब. She is the daughter of Maula Ali and Fatimatu Zahra. She is the sister of Imam Hussein and Imam Hassan. The way she used to speak fearlessly, confident, कि मैं जो बोल रही हूँ और हमारा इस्लाम जो बोल रहा है वो पूरी तरह से सही है. What does this indicate us? ये इतना सारा उनका मैसेज है जो she is telling us. What does this indicate? इसका मतलब है कि कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, एनीथिंग यू हैव टू नॉट गो बिहाइंड. आपको पीछे नहीं हटना है. अगर आप सही हो, अगर आप को लगता है मैं कोई चीज में सच हूं, तो यू विल नॉट गेट बिहाइंड. इफ यू आर ट्रूथ, अल्लाह विल ऑल्सो सपोर्ट यू. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल नाउ. ओके, डू नॉट रिलेट दिस टू एनी वे. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा इंसिडेंट मैंने आपको समझाया, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ फॉर यू ऑल टू जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, आपको कितना डर लगेगा कि मुझे क्यों अचानक से बुलाया है. और रस्ते में जाते जाते वॉचमैन कहता होगा कि नहीं, तुमने ये गलती की है, तुमने वो गलती की है. बट यू गेट सो फियरफुल ना, कैसे वो धक 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 होता है. हमको पता है हमने कुछ नहीं किया है. एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि हमने गलती की है, बट यू कैन इमेजिन दैट धक धक यू गेट कि नाउ दे विल टेल माई मम्मी, दे विल कॉल माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट फीलिंग दैट यू गेट. सो यू इमेजिन, अगर आप गलत नहीं हो फिर भी आपको ये फीलिंग आती है. सो यश, यू शी डिडंट गेट स्केर्ड. दिस शोज दैट इफ यू आर राइट, यू शुड नॉट गेट स्केर्ड फ्रॉम एनीबडी. यू हैव टू फेस एवरीथिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फेस. यू डू नॉट हैव टू, अगर आप सही हो कोई चीज में कभी भी, और सेकेंड चीज, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है कोई भी चीज में. अगर आपको लगता है मैं कोई चीज में गलत हूं, तो आपको खड़े होके बोलना है कि नहीं मम्मा, मेरे से गलती हो गई. नो टीचर, आई एम रॉन्ग. आपको चुप नहीं रहना है, बिकॉज वेन यू स्पीक द ट्रूथ, अल्लाह विल सेव यू. अल्लाह विल से नो, दिस चाइल्ड इज ट्राइंग, ये बच्चा कोशिश कर रहा है, तो मैं भी इसको सपोर्ट करूं, इसके मम्मी और डैडी के गुस्से को मैं कम कर दूं. दैट इज द वे. सी सच अ बिग मैसेज वी आर गेटिंग. वॉट कम एवर, आई डू नॉट हैव टू गो बिहाइंड. अगर मैं, मुझे लगता है मैं सही हूं, तो आई हैव टू स्पीक अप, आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू गो अ लिटिल अहेड फ्रॉम योर, व्हेन जनाबे ज़ैनब वाज़ देयर इन दमस्कस, उनको एक कैद में, एक प्रिजन में रखा गया था. बट यू नो, ये न्यूज है ना, दमस्कस में काफी फैल गई थी दैट जनाबे ज़ैनब इज कम, द हाउस होल्ड, द मेंबर्स ऑफ द प्रॉफिट्स फैमिली आर हियर. तो काफी सारी न्यूज फैल गई थी, लोगों को अवेयरनेस हो गई थी, पता चलने लगा था कि जनाबे ज़ैनब का मिशन क्या है. शी वॉज राइट. सो क्या हुआ, इतना प्रेशर यजीद पे आने लगा दैट यजीद बिकम फियरफुल, बिकॉज जनाबे ज़ैनब की स्पीच इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट वो भी डर जाता था. यानी शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग. क्या हुआ, यजीद पे काफी प्रेशर आ गया कि वॉट टू डू, हाउ टू डू, एंड ही गॉट सो फियरफुल. देन ही व्हाट ही सेड दैट, फिर उसने बुलाए, दे वर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द कैद, दे वर वेरी लॉन्ग टाइम इन द प्रिजन. फिर यजीद ने क्या किया, ही कॉल्ड द फोर्थ इमाम कि अभी मैं आप लोग को रिहा कर रहा हूं, तो टेल मी व्हाट व्हाट यू ऑल वांट. सो व्हाट डिड फोर्थ इमाम से, आई हैव टू कंसल्ट माय आंट, आई हैव टू आस्क जनाबे ज़ैनब. सो व्हाट डज दैट शो, ही रिस्पेक्टेड जनाबे ज़ैनब सो मच. सो व्हाट ही डिड, सो व्हाट डिड जनाबे ज़ैनब एट दैट टाइम से, फ्रॉम हियर यू कम टू नो दैट आर मजलिस and the aza, the majlis aza. What did janabe zainab said? Yazid said, what do you want? So janabe zainab didn't say that I want this or that. What she said, I want a room empty where I can sit, jahan pe main baith sakti hu, or I can mourn for the people, the shaheed of Karbala. I can mourn, I want to cry, I haven't done. So what she did, Yazid gave a room. She was there in that house for 7 days. So wo 7 days mein, the woman of Damascus, they used to come over there, and then she used to tell ki the tragedy of Karbala, then from Karbala to Kufa,
what happened and that is the way उन्होंने लोगों में इस्लाम पहुंचाया, teachings बताई कि who is right, what is wrong, उन्होंने क्या किया था. So that was the first majlis that Janabe Zainab started. That is the majlis-e aza over there. After that, then when 7 days were over, they wanted to from there. Yazid said, now where do you want to go? You want to live? आपको यहाँ Damascus में रहना है कि आपको कहीं जाना है. तो she said, we will go back to Medina. We will go back to Medina. So they got the horses, camels, सब कुछ लेके आया. जब वो horses, camels आए ना, तो how did they send horses or camels आए? तो उसके ऊपर saddle थे, उसके ऊपर velvet के कपड़े थे और काफी decorate नहीं, but normal way में हो था वो. So what did Bibi Zainab said? I am not going to. She ordered. I am not going to sit on this. मुझे horse, camel and I want everything black. Because जहां से भी ये काफिला जाएगा उनको पता चलना चाहिए that this is a sad काफिला. हम लोग we are sad people, we are mourning. We are not, अगर हम इसमें चले जाएंगे so the message will not go. हम जहां जहां से जाएंगे people should come to know. Then from there she went to Karbala to the shrine of Imam Hussein. There she did Majlis-e-Aza and then she went to Medina. When she went to Medina, there also there were black flags. Everybody, people were wearing black because pata tha that Janabe Zainab is coming. Okay? And this is the message that had to come up. Now, one more thing that is very, very important that you all have to know is, you know, Janabe Zainab's two sons, they were there in the Battle of Karbala. That is Janabe On and Janabe Muhammad. Janabe On and Janabe Muhammad. These were the two sons of Bibi Zainab. Okay? So when Bibi Zainab left Medina, when Bibi Zainab, now this I'm talking about the two kids, okay, of Bibi Zainab. Previously we were discussing about Bibi Zainab's small little history, how she got Islam ahead, how she got Islam alive, okay, the Majlis-e-Aza and everything. Now we are discussing about her two sons who were there in the battle, unke do bacche jo battle mein the, that is Janabe On and Janabe Muhammad. What happened when they started the journey from Makkah to Karbala? So she took her two sons along with her. Now, as the time went by, and aapko pata hai that what was the age of Janabe On and Janabe Muhammad? Janabe On was only 13 years, and Janabe Muhammad was 10 or 11 years. Some say it is 10, some say 11. So Janabe On was 13 and Janabe Muhammad was 10 or 11 years. And you know, they were trained by Maulana Abbas for fighting and for their training of the sword and everything. Maulana Abbas trained them. So you can imagine how strong they were, and their training and everything was very, we cannot imagine also, because they were trained by Maulana Abbas, right? You'll all know how strong Maulana Abbas was. You will come to it. I will also tell you a lot of stories about it. Okay? So then if you all know that when the day of Ashura came, they were also there on the battlefield. So when they came on the day of Ashura, right? Janabe On and Janabe Muhammad, these two wanted to go on the battlefield. So they first, what happened? They went on the battlefield with Janabe Ali Akbar, Janabe Qasim, and Maula Abbas. जबी भी वो battlefield पे जाते थे वो इतनी strong तरह से fight करते थे और यजीदी army को one shot में वो they used to finish it off. So when at जबी भी one fire करते थे या one sword चलाते थे, the second look वो Maula Abbas को देते थे and they used to nod their head and say कि see, and then Maula Abbas would nod their head कि right, it's perfect. So that is the way. Why? Because he was the teacher. So Jabibi they used to do when they were all. But then next when they came back from the battlefield, wo log wapis tent pe aaye. So then they said now to Maula Hussain that, Maula Hussain, we want to go alone now. So Maula Hussain said, no, I cannot give you permission to go alone. Then Bibi Zainab came and said, no, my brother, they have to go. So then Maula Hussain allowed them, and then they went. Jab wo battlefield mein gai, wo dono ne itni achhi अच्छी जंग लड़ी, दे कितनों को मार दिया. यू कांट इवन इमेजिन, दे जस्ट वन स्वॉर्ड गोइंग एंड हाउ मेनी पीपल वुड गो डाउन.
बट एट द एंड ऑफ द डे when उमर ए साथ saw this, what he said that we cannot kill these people like that. इनको घेर के मारना पड़ेगा. So what happened when they were fighting the two brothers? The army came from the side and उनको घेर लिया. And then from some they were hitting. कहाँ से bow आए, कहाँ से arrows, तलवार. And then it was the end. And then वो शहीद हो गए. और जनाबे ऑन एंड जनाबे मोहम्मद. And when जनाबे ज़ैनब came to know that my son are no more, she did not cry. She thanked Allah. See how strong she was. You can imagine the strongness. She was very strong because she knew that if I cry now, I will become weak. I do not have to do. I have to stand firm. I am the lady of patience. I am the lady of Karbala. I have to stand, which is very, very important. So small, small roles, small, small things. Everybody, sab ne chote chote roles kiye hai. Hamare Islam ko aage badhane mein, forward take it. आगे बढ़ाने में टेकिंग इट फॉरवर्ड राइट. नाउ एज यू ऑल नो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट जनाबे ज़ैनब, जनाबे ऑन एंड मोहम्मद राइट. जनाबे ऑन एंड जनाबे मोहम्मद वाज द सन ऑफ जनाबे ज़ैनब राइट. नाउ टेकिंग इट अ लिटिल अहेड, नाउ आई एम जस्ट आई विल टेल यू ऑल द रिविजन. यू ऑल नो नाउ व्हाट वी आर डूइंग. If possible, you will all write it somewhere. Huh? Do not forget all small stories. Now, you also know that there are a lot of activities that I have been giving you all. Okay? So, another activity sheet that I will be showing it to you all is, okay, first you all see the activity. बीच में कोई भी नहीं बोलेगा. आप एक्टिविटी को देख लो. लास्ट के 15 मिनट्स में आपके सबके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वी विल सॉर्ट इट आउट. ओके, सो टुडे द थिंग दैट वी हैव लर्नड इज, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, जनाबे ज़ैनब, ओके, द किड्स ऑफ जनाबे ज़ैनब, जनाबे ऑन, जनाबे मोहम्मद. ओके, हाउ जनाबे ज़ैनब फ्रॉम कर्बला शी वेंट टू कूफा, फ्रॉम कूफा टू डमास्कस. उन्होंने स्पीच दिए, देन अगेन हाउ शी केम बैक. शी वॉज नोन एज द लेडी ऑफ पेशेंस, दैट हैव टोल्ड यू ऑल. ओके, प्लीज म्यूट योर माइक्स एवरीबडी. ओके, सो नाउ आपको खाली पहले देखना है, आपको सेम नहीं बनाना है, आप एक शीट पे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, दैट इज द फर्स्ट नेम रिटन इज फोर्थ इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन. यू हैव टू राइट 2-3 लाइंस अबाउट हिम एंड डिस्क्राइब. ओके, सो ऑन अ शीट ऑफ पेपर लेफ्ट हैंड साइड पे यू राइट द नेम ऑफ द इमाम, देन यू 2-3 लाइंस. नाउ दिस यू कैन सेट योर विद योर मम्मीज, डैडीज एंड डिस्कस. पहले डिस्कस करना, खाली पूछ के लिख नहीं लेना, पूछना कि व्हाट टू राइट. सिंपल, जब वो आपको बोल दे ये लिखना है, देन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, द फर्स्ट वी आर राइटिंग अबाउट द फोर्थ इमाम, दैट इज इमाम ज़ैनुल आबिदीन. देन वी विल राइट अबाउट जनाबे अली अकबर, ही वॉज द सन ऑफ इमाम हुसैन. ओके, प्लीज डू नॉट स्क्रिबल बच्चा. ओके, नाउ दिस ऑफ जनाबे अली अकबर, राइट ओवर देयर हिज नेम dash and then you write 2-3 lines about him. Okay, and the third we'll write about is Janabe Ali Asgar. Okay, so here also same, you write the name. Okay, you write this name and then you write 2-3 lines. Okay, so that is, you have to write about fourth Imam, Imam Zainul Abidin. You have to write Janabe Ali Akbar, and the third you have to write is about Janabe Asgar. These are the three things that you'll have to write. In the last 15 minutes, you all can ask me all the questions. Okay, bacha? In the last 15 minutes. Okay, so this is the activity that I have given you. Can you not? I will answer everything in the last 15 minutes. Okay? I will answer in the last 15 minutes. So that is there. So these three things, aapko ek paper pe left hand side pe naam likhne hai, aur 3-4 sentences aapko khali
राइट डाउन करने हैं, ओके। और जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटीज दी है, आपकी एक्टिविटी के फोटोज मुझे मिलते हैं, ओके। जो हमने लब्बै किया, उसे इनका फ्लैग, फिर रेनबो बनाया, वो सब भी मुझ तक पहुंचते हैं, एंड इट इज डन वेरी नाइस, ओके। हु इज स्क्रिबलिंग, प्लीज स्टॉप स्क्रिबलिंग, बच्चा इट इज नॉट लुकिंग नाइस, व्हाट आर यू डूइंग? I had told in my first session that discipline is the first thing that Imam is teaching us. We have to follow it. जब आप स्कूल ऑनलाइन बैठते हो तो आप ऐसे करते हो, नहीं करते हैं. Then, so you have to follow some rules and regulations, है ना? Please do not do it. There is one thing which is very, very important, which I have forgotten to tell you all, is everybody seen this? I am stopping the screen sharing. Okay, now just three names you all have to remember or write it down. It is very simple. Okay, and if you want, in the last 15 minutes, I will show you all the sheet as well. Okay. So now I have forgotten to tell you all one thing that is very, very important, that after the event of Karbala, when Janabe Zainab reached Medina, after reaching Medina, she only lived for 6 months or 1 year. It is not exactly known. It is either 6 months or 1 year. And she died between the age of 57 or 60. It's between that, 57 and 60. And have you all heard about Tille Zainab? Yeah? Yes, very good. Very good. All clever people over here. Most of you all know, mashallah. If you all don't know, I will tell you all. So Tille Zainabia is a place when Imam Hussein was... Tille Zainabia is a place from where it is at a height. So what jo battlefield pe ho raha tha, to Janabe Zainab would stand over there and see, okay, that what is happening in the battlefield. When Imam Hussain was beheaded, unko shaheed kar rahe the, so she was standing at the high point and seeing. वहाँ पे वो खड़े थे और उसके बाद से उनका नाम उसको तिले ज़ैनबिया कहा गया है, because it is at a height, okay? And it is there in Iraq. And tomorrow, what I'm going to do is tomorrow I am going to show you the pictures of all the rozas, okay? That we have been doing. So tomorrow I'll be showing you Tille Zainabia. I'll be showing you the Roza of Imam Hussain. I'll be showing you the Roza of Maula Abbas. Everybody's Roza I'm going to show y'all tomorrow. Okay? So y'all can see where it is, how we go. So it will be, tomorrow is going to be a very interactive session. Okay? And y'all will also see. So today I've talked about Tille Zainabia. Tomorrow I will show you. Okay? Now what we'll do is, again, we take it a step ahead. I'm 1 minute is only 1 to 2 minutes. I'm going to do a revision right from starting now. Okay? Because I want all of y'all to be with me. I do not want anybody to go, okay, I forgot this and I forgot that. Okay? So the first thing that we did was, the first session that we did was, it was all about discussing about Imam Hussain. Then the next session that we did, I discussed about Janabe Habib ibn Mazahir. He was the childhood friend of Imam Hussain, right? After that we did is, we discussed about Imam Hussain's kindness, charity, his patience, his politeness. Then we did about, what we did? You all remember this or this? So I should come to know, na? Yes. So what we did is, we did about the 5 places that Imam took stop at before reaching to Karbala. Right, the 5 places: Al-Sifa, Al-Hijru, Zurud, Sharaf, and Nainawa. These 5 places. Very good. Then Janabe, we discussed in that lecture only. हमने जनाबे जॉन के बारे में discuss किया था. जनाबे जॉन के बारे में discuss किया था. सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के बारे में discuss किया था. और एक और we had discussed again about the Christian who converted into Islam, Wahab ibn Abdullah Qalbi. We had discussed it. Yes, we had discussed about him. So these all things we have to remember.
And today we discussed about Bibi Zainab. Okay, the date. We discussed about Janabe On, Janabe Mohammed, the journey of Janabe Zainab. I have given you all an upper history. Okay? Yes. अगर आप बुक से आपकी मम्मी को बोलना काफी सारी डिटेल है. This is just a little bit I've told you all. अगर आप जनाबे जैनब की हिस्ट्री पढ़ोगे तो इट इज वेरी लॉन्ग वेरी लेंथी बुक्स एंड बुक्स हैव बीन रिटन. वी कैन नॉट फ्रेम इट इन 45 मिनट्स. ओके, इट इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. ओके, सो यू कैन ऑलवेज रीड इट. स्मॉल स्मॉल किड्स बुक्स ऑल्सो यू गेट स्टोरीज यू गेट. यू कैन ऑलवेज रीड इट एंड गो थ्रू इट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डन. एंड द लास्ट थिंग दैट वी डिड टुडे वाज अबाउट तिल्ले ज़ैनबिया. Right, we discussed about Tille Zainabia. Is it clear to everybody? Everything's clear to everybody? Yes. And yes. I have shown you drawing. Yes, well. Papa. Today, you all understood everything very well. I will give you last 15 minutes. Everybody, mute your mics. Oh yes. Now, one thing that is times. Now we have finished. Hello. Please mute your mic. Mic mute karo, please. Have you all heard the word push? P-U-S-H, push. When somebody scrolls the screen, please can you undo it? Yes, we'll do everything for you. First, please mute your mics, Ryan Ali. Okay. Thank you. I'm unmuted. Okay, no, you mute now. Mute your mic. Please mute the mic. Everybody, please mute your mics. Please mute. Now, the last thing, as I've told you everything, now you all know the word push. P-U-S-H, push. Hai na? You all know the word push, right? Kafi sare time suna hoga. Now, I am going to tell you, push means you push somebody. Okay? But now, I'm going to tell you the full form of push. That I have made, okay? P-U-S-H. Whenever you feel, you know, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, I'm getting fearful, I'm getting tensed, you know, I cannot study. P-U-S-H means pray until something happens. You have to keep on praying. P-U-S-H. P stands for pray, U stands for until, S stands for something and H stands for happen. P-U-S-H. Anytime you feel I can't do, remember that I have to pray. P-U-S-H. This word is very simple for you all to remember. Push. Right? We pull and we push now. So a simple word today for all of you all to remember is push. Any difficulty, anything, I have to pray until the thing happens. Okay? Perfect? Yes. Okay. Now, yes. Now everybody, one by one, can raise your hands, okay? And I will give everybody a chance and you all can ask me questions. Yes. I do not, if anybody tells in between, I will not answer, okay? Sabse pehle, I think we will go on with, yes, Hassan, tell me. Papa, you will put the activity on the group. What I will do, I will share it with you, Hassan. Don't worry, okay? Okay. Okay. Now, the next one is, and Fatima, tell me. Ma'am, apart from Janabe Honor Muhammad, did Bibi Zainab have any other kids? Yes, she did have. Okay. Who are they? Yes, I will tell you. 1 minute first, let me answer the questions. This I'll tell you. Let me finish the activity and then I will tell you. Okay? She had more two kids. Ma'am. I will tell you. Yes, miss. Wait. I will. Do not unmute your mics, bacha. It becomes very difficult for me, na? Because you all are so many. Aaj to mashallah. I think there are like so many kids. So, you know, it is difficult for me. So please give me some of this. Let me answer one by one. The next one that I can take up is Rehan and Shifa. Ask me. Ma'am, we missed yesterday's class, ma'am. So, can you please repeat the five names where Imam Hussain had a stop? Miss, what is the meaning of Hema? Will.
I will repeat. Excuse me, yeah. Ma'am. I want to ask that Hazrat Muslim. I want you to mute your mic. I will give you a chance. I will give you a chance. I'm not going to answer. Mute your mics. Please raise your hands. I will answer. Like that, I'm not going to answer. Okay. So the five places that Rehan and Shifa, you all have to write is? Yes. So, that is Al-Shifa. It's very much visible. It's Al-Shifa. Al-Hajir. H-A-J-I-R. Zurud, Z-U-R-O-O-D. Sharaf, S-H-A-R-A-F. Nainawa. Ma'am? Okay. Wait. And please do not off your video. Please keep your videos on. And if you all have finished asking me question, leave the meeting. Okay, bacha? Now the next one who's asking me. Hands up, yeah. Yes, Ali Haider. Yes, Ali Haider. Hello. Miss, what is the yes, meaning of Ali. Tent. Teacher. Tent. Teacher. Mute your mic, Sayyadar, please, bacha. Teacher. Now who's the next one? Yes, Rukaya Sayyad, tell me. Teacher, I don't see the drawing. Yes. You want to see the? Drawing. Today is not. I will show it to you. Wait, I will show it to you. Yeah, have a look at the screen. This is the drawing. Yeah, see. And who else has a question? Who else? Raise your hand. प्लीज म्यूट योर माइक आई थिंक डीजे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है किसका चालू है ठीक है नाउ हु एल्स हैज अ क्वेश्चन यस अली हैदर मिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खेमा आई टोल्ड यू ना इट इज अ टेंट बेटा खेमा इज अ टेंट इफ यू गो ऑन गूगल यू सर्च द इमेज यू कैन सी इट ओके बच्चा next is anybody else want to go? No teacher. Ma'am, you yes, told Shania us to write Sherish. About. Wait 1 minute, bacha. Shania and Sherish, tell me, bacha. Assalamualaikum. Salam. We are not in the group. Puchhiye, bata. Miss. There is no group, beta. There is no group, bacha. There is no group. Miss, all the activities यहाँ पे online दिखाई जाती है. There is no group. Yes, miss. And okay, जो भी है online और अगर for example, listen to me. अगर किसी ने आज का session में कुछ miss हो गया है या आपका disconnect हो गया है, तो आप कल morning 11 o'clock को Zainab या channel पे repeat देख सकते हो. यूट्यूब चैनल है मैम ओके मैम यस मिस नबिया चैनल ओके मैम ओके मैम मिस ओके मैम मैम यस सुकैना टेल मी मैम वेयर विल यू सेट द एक्टिविटीज I have shown it to you, na, bitcha? Ma'am, I have a question. You have to see everything. Okay, ma'am. Who it is? The yesterday one. The yesterday. I will show it to you. Don't worry. I'll show it to you. Don't worry. Yes, Sania and Cherish, tell me.
Miss, today is our first day, so we don't know the previous book. Teacher, this is my first day. Don't worry. I will help you. Who is this small troublesome person? Ma'am? Who is this small musty doing this scribbling? Please stop doing the scribbling. Who's doing this? Please stop this. Yes, you all can see this. Teacher, we have to make this drawing. Okay, so you all have to draw a rainbow. Miss, I can't see. Okay, so what we can do is tomorrow morning, na, when you see on the Zainabia channel, na, you'll be able to see this photo. This will be viewed. Okay, so you can see over there as well. Tomorrow morning, 11. Mm. Any more questions? Thanks. No, ma'am. Ma'am? Yes. The Zainabia channel is on the YouTube. It's there on the YouTube Zainabia channel live. Okay, it will come on YouTube as well. Okay. Excuse me, ma'am. Hello. Yes, and Fatima, I will answer you. I know your answer is in my hand. Don't worry. I will answer you. Okay, so I will answer N. Fatima. So N. Fatima, you were telling, I've told you about Janabe Zainab's two sons, that's on Muhammad, and one more son was there, two more, that's Ali Abbas and Umme Kulthum. Okay? So I will tell you Ali, ma'am, on repeat once Muhammad, again? Abbas, Umme Kulthum. Okay, so in all five. Okay, Bitta? Thank you, ma'am. Welcome, Bachi. Mute your mic. Okay. So I have given the activity for today. Ma'am? Yes, Rubha. There are two only in the battlefield. Yes, only two in the battlefield. Papa? Your name, please. I can't see you. Okay, we've got only 2 minutes. Fast. We need to log out now. Because there is another this had that has to go live. Yes, I have a question. Okay, so inshallah we are done for today. Whatever is there, I will see you all tomorrow, same time. Inshallah, we'll meet. Jo activity di hai, try to do it. Or kal jab hum login karegi, that time I will see. Okay, and how you all are sending the activity, send it on the number if you all want. I will see it from there. Okay? So, take care. Khuda hafiz to all of you all. I'll see you all tomorrow. Okay? Khuda hafiz. Khuda hafiz. Khuda hafiz.